प्यारे बच्चों नमस्कार, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। टेंथ क्लास के वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पहुँच गए हैं एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। छोटी सी एक्सरसाइज है और ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वर्ग समीकरण के जो मूल होते हैं, जो उसके हल होते हैं, उनकी प्रकृति कैसे निर्धारित की जाती है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि उनका नेचर क्या है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो छोटी सी थ्योरी है वो बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पर आता हूँ। आप लोगों को ये पता है कि अगर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो उसके जो रूट्स हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, उसके मूलों को ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब इस फॉर्मूले में ये जो टर्म है, ये जो बी रूट के अंदर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस वैल्यू के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है कि ये जो रूट्स है, ये जो मूल है, इनकी प्रकृति कैसी होगी। क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो संख्या आएगी उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्मॉल में था फोर ए सी अगर इसकी वैल्यू जो है ये इक्वल टू जीरो आ जाए, कितनी आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, मतलब ये प्लस माइनस रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके पास एक्स बराबर आ जाता है माइनस बी अपॉन टू ए, है ना। मतलब फिर प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो जीरो रहेगा उसके साथ में। मतलब हर स्थिति में फिर एक्स बराबर ये आ जाता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है, तो ऐसी स्थिति में एक्स बराबर माइनस बी अपॉन टू ए हो जाता है, मतलब कि रूट्स आर रिपीटेड, यानी कि जो मूल होंगे ना वो एक जैसे होंगे, मतलब उनकी पुनरावृत्ति होगी, मूलों की पुनरावृत्ति, हिंदी में इसको ऐसा लिखते हैं, मूलों की पुनरावृत्ति, ठीक है ना। यानी कि जो दोनों मूल आएंगे वो एक समान आएंगे, सेम रूट्स मिलेंगे आप लोगों को, अलग अलग नहीं, सेम रूट्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से लिख भी सकते हो, सेम रूट्स, बोथ आर सेम रूट्स, दोनों एक समान ही आएंगे। ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो के होने पर दोनों रूट्स एक जैसे आएंगे। अब दूसरी स्थिति, ये पहली कंडीशन है बच्चों, ये नेचर के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तीन तरह के नेचर हो सकते हैं रूट्स के, जिसमें से पहला था कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो हो तो एक्स बराबर जो आएगा वो दोनों एक जैसे रूट्स आएंगे। वास्तव में जो नेचर है या जो प्रकृति है रूट्स की, वो किस चीज के ऊपर निर्भर कर रही थी, हम उसके ऊपर जा रहे हैं। वो निर्भर कर रही थी इस रूट के अंदर जो चीज है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, उसके ऊपर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा था रूट्स का नेचर, तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी स्थिति है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाए, क्या नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नॉट रियल। मतलब कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो उस स्थिति में रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर रहेगा, और नेगेटिव नंबर के लिए रूट क्या होता है, देता ही नहीं है कुछ, स्क्वायर रूट कोई वैल्यू नहीं देता है नेगेटिव नंबर के लिए, जो देता है वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, वो एक काल्पनिक संख्या होती है, ठीक। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी इट इज नॉट रियल, है ना। तो अगर ये रियल नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स
आर नॉट रियल नंबर, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है ना, मूल वास्तविक नहीं होंगे। आई रिपीट, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी आती है, मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, देयर आर नॉट रियल रूट्स एग्जिस्ट इन दिस केस। और तीसरा और अंतिम केस है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे, इट इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव रहे, यानी कि ये क्या रहे, पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव रहे, तो ऐसी स्थिति में जो ये वैल्यू आएगी रूट के अंदर, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आएगी, क्योंकि रियल पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो पॉइंट में आए, चाहे आपको दो मिले, चाहे तीन मिले, व्हाटएवर, मतलब जो भी ये वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव अगर रहे तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि जो मूल होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, ठीक है ना, मतलब कि मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि भाई इसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई है तो आपको जो रूट के अंदर है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ पर वैल्यू होगी तो इस प्लस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, तो जब प्लस लेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, माइनस लेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, ऐसा हमने कई क्वेश्चंस में देखा भी था। तो ये तीन केसेस याद रखिएगा बच्चों, क्या याद रखिएगा, इन तीन केसेस को याद रखिएगा कि स्मॉल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तीनों केसेस मैंने बता दिए हैं, अगर जीरो आता है तो जो मूल हैं वो एक समान आएंगे दोनों, है ना, एक जैसे रहेंगे दोनों, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू नेगेटिव या ऋणात्मक होती है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, यानी कि भिन्न होंगे, ठीक है ना। इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम एक दूसरे संकेत डी से भी डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस डी संकेत को हिंदी में कहते हैं विविध कर, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, राइट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में कहते हैं विविध कर, और इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का संकेत होता है डी, क्या होता है बच्चों, डी होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविध कर डी की वैल्यू के ऊपर, इसके मान के ऊपर डिपेंड करता है कि जो नेचर है रूट्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, है ना, वो नेचर हम कैसे डिसाइड करते हैं, इस तरह से डिसाइड करते हैं, मतलब कि अगर डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू जीरो होगी तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रूट्स रियल नहीं होंगे, और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये तीनों केसेस याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही काम के केस हैं, और इन्हीं केसेस के बेसिस पर हम लोग आगे अपनी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज, व्हाट एक्सरसाइज 4.4। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम, ठीक है, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर है उसको कैसे चेक करते हैं, और ऐसे कुछ हमारा क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको ज्ञात करिए, ठीक है ना, वो जीरो वाला केस जो है ना वो भी रियल रूट्स ही आपको देता है, इक्वल रूट्स देता है आपको, ठीक है ना, वो भी उसी श्रेणी में आएगा। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इस तीन क्वेश्चंस लेंगे हम लोग इस पहले क्वेश्चन में, इस पहले क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम कंपेयर करें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे, तो ए बराबर है 2, बी बराबर है -3 और सी बराबर है 5, ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं। तो आपको पता है कि जो डी है उस डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू रखिएगा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है टू और सी की वैल्यू है फाइव. सो दिस इज इक्वल्स टू नाइन माइनस फोर टू ज एट, फाइव ज फोर्टी, मतलब कि ये आ गया माइनस का 31 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है. मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विविध करके जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई है. जब नेगेटिव आती है तो क्या होता है, नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो आप यहां पर लिख देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है ना, मतलब कि वास्तविक मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है. यहां हिंदी में लिख दीजिएगा कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है. वाइट समझ में आ गई, डी निकाला, ओके, जो वैल्यू आई मेंशन किया क्या आई है उसके आधार पर जो आपको पता है वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना. अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर, यहां अब इसे हिंदी में लिखते हैं, ए बराबर है तीन, बी बराबर है माइनस फोर रूट थ्री और सी बराबर है फोर. अब आप निकालेंगे क्या, अब आप निकालेंगे डी, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फोर. दिस इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 16 और रूट तीन का स्क्वायर तीन हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास में चार तिया 12, चार चौक 16 तिया 48, तो दिस इज 48, ये भी 48, ये भी 48, मतलब ये आ गया जीरो. मतलब जीरो आ गया है, यानी कि मूल वास्तविक हैं और क्या हैं, रिपीटेड हैं, एक समान आएंगे. तो हम यहां पे लिख देते हैं, अर्थात मूल वास्तविक व समान है, यानी कि एक जैसे हैं, मूल रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अब उसने कहा था कि अगर रियल हो रूट्स तो उनको फाइंड भी करिएगा, तो ऐसे स्थिति में सो देयर फोर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय 2a. यहां पर सारी वैल्यूज रखेंगे बच्चों, तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री प्लस माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा रूट के अंदर जीरो, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू थ्री. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो गया फोर रूट थ्री डिवाइड बाय 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और आपके पास में आ जाएगा ये इट इज 2 रूट थ्री बाय थ्री. मतलब ये आ गई x की वैल्यूज और यही आपका आंसर है, यानी x की दोनों वैल्यूज यही रहेंगी, कितनी, x इज इक्वल्स टू आएगा 2 रूट थ्री बाय थ्री और कॉमा 2 रूट थ्री बाय थ्री. सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल हैं, रूट्स हैं, वो ये आएंगे फाइनली, है ना. मतलब पहले हमने चेक किया कैसा है नेचर, क्योंकि अगर रियल नहीं आते हैं तो उनको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, अगर रियल आते हैं तो आप उनको फाइंड करिए इस फॉर्मूले की मदद से, लेकिन पहले डी की मदद से उनका नेचर चेक करिए. यही चीज आप थर्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई करिए. तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में ए बराबर है टू, बी बराबर है माइनस सिक्स और सी बराबर है थ्री. जब आप डी निकालेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री. सो दिस इज इक्वल्स टू 36 माइनस 8 थ्री जा 24. तो 8 थ्री जा 24, तो आपके पास में ये बच गया कितना, 36 में से 24 जाएगा तो ये बचेगा 12 जो कि पॉजिटिव है. मतलब D की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, मतलब मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, यानी आप यहां पे लिख दीजिएगा, अतः मूल वास्तविक व अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, वो अलग अलग का स्क्वायर ऐसे लिख दिया है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा लगा दिया है. तो मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, उनको ज्ञात भी करना है. तो उनको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई 2a फॉर्मूला होता है, सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट
इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये आएगी 12, ठीक है ना, और डिवाइड बाय कितना 2a, यानी कि ये हो जाएगा 4. दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, ये हो गया बच्चों 6 प्लस माइनस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाय 4, ठीक है ना, 2√3 लिख सकते हैं. अब वो कैसे वो आपको पता है, यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल अगर आप कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2. तो आपके पास में जो x की वैल्यू है वो आएगी 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और 3 माइनस रूट 3 बाय 2. तो ये दो हमारे पास में x की वैल्यूज आ गई हैं बच्चों, ठीक है ना. तीनों ही केसेस के क्वेश्चंस हमने यहां पर देखे. एक में d की वैल्यू नेगेटिव आई तो रियल रूट्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं था. एक में जीरो आई तो दो रियल रूट्स मिले एक जैसे, और एक में पॉजिटिव आई तो दो रियल रूट्स मिले अलग अलग, सेपरेट रियल रूट्स. तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते हैं, वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है. सो इसको यहीं पर हम लोग अब रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो हम लोगों को कुछ और नई टाइप की प्रॉब्लम्स बताने वाला है, ठीक है ना, जिसका रिलेशन इस डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से है. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. मतलब के का मान इस प्रकार ज्ञात करिए कि ये जो दो वर्ग समीकरण आपके सामने लिखे हुए हैं इनके जो मूल हैं वो बराबर रहें, समान रहें, यानी कि इक्वल रूट्स वाले केस को लेके चलना है और के की वैल्यू निकालना है. मतलब वो कंडीशन हमें मान लेना है कि इक्वल रूट्स हैं इनके, और फिर हमें उस के की वैल्यू निकालना है जो यहां पे दिख रहा है. तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा, यहां ए बराबर कितना है 2 है, बी बराबर कितना है के है, और सी बराबर है 3. तीनों साफ साफ दिख रहे थे, सबसे पहले लिख लो. अब यहां पर लिखना, चूंकि वर्ग समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः क्या होगा, सिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो डी इज इक्वल्स टू 0. मतलब डी की वैल्यू 0 होगी. दिस इंप्लाइज मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक. अब यहां पर सारी वैल्यूज लिख दीजिए. सो बी की वैल्यू है के, ये के स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0. मतलब के स्क्वायर माइनस 8, 3 जा 24, राइट, इज इक्वल्स टू 0. मतलब के स्क्वायर बराबर 24, मतलब के बराबर आपके पास 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 24 का स्क्वायर रूट होता है, जहां तक मेरा ख्याल है कि इट इज, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है ना, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2√6. तो k की वैल्यू आएगी बच्चों कितनी, 2√6, और आप इसको चाहो तो प्लस माइनस में भी ले सकते हो क्योंकि आपने स्क्वायर रूट निकाला है यहाँ पर. तो k की वैल्यू जब प्लस माइनस 2√6 होगी बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आपको जो रूट मिलेंगे इस इक्वेशन के वो इक्वल मिलेंगे. यानी कि क्वेश्चन नंबर 2.1 का आंसर है प्लस माइनस 2√6. आई रिपीट, के की इस वैल्यू के लिए आपको इस वर्ग समीकरण के मूल बराबर मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, है ना. लेकिन उसके लिए आपको ये कंडीशन पहले ही मान लेनी है और इसमें सारी वैल्यूज लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करना है. तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 आएगा, ये उधर जाएगा तो ये 24 प्लस में बन जाएगा, फिर आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास में के की वैल्यू हो जाएगी. ये प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन उसने पहले ही दे दी थी कि ये आपके पास है. क्लियर बच्चों. अब इसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी जो वर्ग समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप होता है वो उस रूप में नहीं है, उसको आप बदलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस
टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब इसके बाद में हेयर, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहां पर ए आपको दिख रहा है के है, बी आपको दिख रहा है माइनस टू के है, और सी आपको दिख रहा है वो है सिक्स। कितना है? सिक्स है। नाउ सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं, सो डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। तो बी स्क्वायर मतलब कि टू के होल स्क्वायर माइनस फोर के इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो, बच्चों है ना। अब ये तो बन जाएगा बच्चों कितना, फोर के स्क्वायर, और ये बन जाएगा कितना, 24 इंटू के बराबर जीरो। यहां से अगर आप k कॉमन लें बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 4k कॉमन ले लो, तो 4k अगर कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा k, और माइनस यहां पर बच जाएगा कितना 6 बराबर 0। तो आपको मिलेगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये गुणनखंड हो गए थे, फैक्टराइज हो गया था, है ना, दो फैक्टर मिल रहे थे हमें। तो यहां से हमें मिलेगा k बराबर 0 और यहां से मिलेगा हमें k बराबर 6। मतलब जब k की वैल्यू 0 या फिर 6 होगी तो उस स्थिति में इस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो हमें क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। आई रिपीट, बराबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब 0 लेते हैं, जब k की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पूरा का पूरा इतना 0 हो जाता है और 6 बराबर 0 हो जाता है। तो क्या 6 बराबर 0 पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये हुआ, बट आप यहां पे लिखिएगा, बट व्हेन k इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 6 इज इक्वल टू 0, ओके, जो कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है वो है k इज इक्वल टू 6 केवल, ठीक है। क्योंकि जब k की वैल्यू 0 हो रही थी तो हमारे पास में एक ऐसी चीज आ रही थी जो कि संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि k इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, हमारा आंसर केवल k इज इक्वल टू 6 होगा। तो इस तरह से जो कंडीशन क्वेश्चन में हमसे कही गई थी उसके अनुसार हमने माना, हम आगे बढ़े और हमारे पास दो वैल्यू आई k की। फिर हमने चेक किया कि भाई दोनों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमारे काम की है, या दोनों ही हमारे काम के हैं। तो हमने k की वैल्यू को यहां रख के देखा, तो यहां पर जब हमने रखा तो हमारे पास 6 बराबर 0 आ रहा है। कभी 6 0 हो सकता है भाई? 6 अपने आप में एक वैल्यू है, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब आंसर केवल k बराबर 6 है। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। नाउ बच्चों अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। वो लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंग्रोव्स whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. मतलब क्या एक rectangular mangrove ऐसा बनाया जा सकता है, अगर संभव हो, मतलब वो word use कर रहा है, क्या संभव है? मतलब पहले आपको check करना पड़ेगा अगर quadratic equation बन जाए कि क्या उसके मूलों का अस्तित्व होगा भी कि नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि अगर संभव है एक ऐसा आयताकार मैंग्रोव डिजाइन करना जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल है 800 स्क्वायर मीटर, है ना, 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करिए। तो आइए जरा इस कंडीशन को यूज करके काम शुरू करते हैं। माना, सबसे पहले उसकी चौड़ाई मान लेते हैं उस रेक्टेंगुलर मैंग्रोव की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। माना आयताकार क्षेत्र मैंग्रोव जो है ना, रेक्टेंगुलर मैंग्रोव आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है ना। तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर। लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। उसने कहा ही था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है ना। चूंकि जो क्षेत्रफल है
वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x इंटू टू एक्स बराबर, इसका मतलब x इंटू टू एक्स लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई गुणा लंबाई या लंबाई गुणा चौड़ाई एक ही बात है, बराबर आपको एक तरह से 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इट मीन्स दैट कि आपको एक तरह से देखा जाए तो 2x स्क्वायर बराबर 800 दिया हुआ है, जिसको कि आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 बराबर 0। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। अब लुक एट दैट, अब ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब इसने सबसे पहले कहा था कि क्या भाई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंग्रोव बनाना संभव है भी कि नहीं है, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है हमने, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर है माइनस 800। तो यहां पर जो d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आएगा कितना, ये तो 0 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और ये 800, तो 8 दुनी 16 चौक 48। तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस में, और वो भी, अच्छा ये माइनस में था ना, तो इट इज प्लस 4800, राइट 4800 ही आएगा ना, यस yes. अच्छा नहीं 64 आएगा, ये 6400, दिस इज पॉजिटिव, मतलब d की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप चाहो तो 1 कह दो, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स ऑफ 1 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि जो समीकरण एक है उसके मूल वास्तविक हैं और अलग अलग होंगे, मतलब लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर x बराबर जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब सारी वैल्यूज आप लिख दोगे बच्चों तो x बराबर आपके पास में b की वैल्यू, क्योंकि शून्य है ये प्लस माइनस, ये रूट के अंदर 6400 बच्चों, एंड डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 बच्चों ये हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा, सॉरी 800 नहीं 80 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 80 अपॉन ये हो जाएगा 4, जिसको कि आप लिख सकते हैं प्लस माइनस इट इज 20। तो क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है तो x इज इक्वल्स टू आएगा 20 मीटर, मतलब कि जो ब्रेथ है वो आ गई 20 मीटर, माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर आ गया 20, मतलब कि दिस इज ब्रेथ चौड़ाई, और लंबाई बराबर आ जाएगी 20 इंटू 2 यानी कि 40 मीटर। तो आपके पास लंबाई भी आ गई चौड़ाई भी आ गई, लंबाई मतलब कि लेंथ और x मतलब कि ब्रेथ, आपने क्योंकि माना था इंग्लिश में आप लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर गिवन है, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो आपने फॉर्मूला में वैल्यू रखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, पहले आपने उसका नेचर फाइंड करा, और जब नेचर आपको क्लियर हो गया तो आपने उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मिल गई। ये था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, लेकिन पहले उसने जो इफ वर्ड यूज कर लिया था कि इफ एग्जिस्ट या पॉसिबल है क्या, तो आपने पहले ये डी चेक करा उस कंडीशन को केवल सेटिस्फाई करने के लिए कि इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर रीजन एग्जिस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी स्थिति संभव है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब इसमें भी जो लगा दिया है कि संभव है क्या,
मतलब कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसके लिए पहले डी निकाल लेंगे हम लोग, ताकि हमें पता चल जाए कि ऐसा संभव है भी कि नहीं है। आइए, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, मतलब दो मित्रों की उम्र का जो योग है वो 20 है। 4 years ago, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट था, जो गुणा था, वो था 48। तो आइए जरा उनकी एज चेक करते हैं कि आ सकती है कि नहीं आ सकती, मतलब ऐसे दो दोस्त हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द एजेस आर एक्स एंड वाई। ठीक, तो मान लिया हमने उनकी जो उम्र थी वो x और y थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि उसने कह रखा है कि x प्लस y इज इक्वल टू 20, है ना, मतलब यहां से हम y बराबर लिख सकते हैं 20 माइनस x। हमने ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि हम x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है ना, अब जरा और ध्यान दीजिएगा कि बिफोर 4 years, 4 साल पहले दोनों की उम्र कितनी होगी, x माइनस 4 और दूसरे की होगी y माइनस 4, और दोनों की उम्र का मल्टीप्लाई बराबर कितना है 48। ठीक है ना, बिफोर 4 years दोनों की उम्र का मल्टीप्लाई है 48, वो भी हमने कर दिया। अब इसको पूरा का पूरा x में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आप y की वैल्यू ये उठाकर रख दीजिए, तो आपको यहां पर मिल जाएगा x माइनस 4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 16 माइनस एक्स बराबर 48। इस 48 को आप इधर ले आइए, तो ये माइनस 48 बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 16x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये आपके पास में हो जाएगा माइनस का 16 चौक 64, 64, और ये हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस का 48 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x, और सॉरी ये 4x है ना, और ठीक है, और माइनस का, ठीक है ये माइनस और माइनस प्लस का 4x और ये प्लस का 16x, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20x प्लस का, है ना, और ये 48 भी माइनस का और 64 भी माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 12, तो मतलब माइनस का 112 बराबर 0, जिसको आप अगर पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 बराबर 0 लिख सकते हो, है ना। ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हल अगर है तो आपको x और y मिल पाएंगे, और अगर इसका हल है ही नहीं तो आपको x y नहीं मिल पाएंगे। आइए जरा चेक करते हैं, तो जरा ध्यान देना कि यहां हियर a बराबर है 1, b बराबर है माइनस का 20 और c बराबर है 112, और जो d है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर होता है बच्चों 400, माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा स्क्वायर के कारण, और ये आ जाएगा माइनस का, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 448, मतलब कि माइनस 48 आंसर आ रहा है जो कि नेगेटिव है, मतलब कि D की वैल्यू नेगेटिव आ रही है जब हम लोग इन शर्तों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ग समीकरण जिसका कि नाम 2 है, इस वर्ग समीकरण के लिए X की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है, और अगर X नहीं निकाला जा सकता है तो Y भी नहीं निकाला जा सकता है। मतलब अगर पहला मित्र की उम्र ही का अस्तित्व नहीं है तो दूसरे मित्र की उम्र भी नहीं निकल सकती है, मतलब ऐसे कोई दो मित्र नहीं हो सकते हैं जिनकी वर्तमान उम्र का जो योग है वो 20 हो और 4 साल पहले उनकी उम्रों का मल्टीप्लाई कितना हो, 48 हो, तो ऐसे मित्र नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो अब आप यहां पे लिखेंगे क्या, सो
रूट्स ऑफ, आप यहां पे लिख सो, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट ऑफ टू. ठीक, मतलब कि इक्वेशन नंबर टू के कोई रियल रूट्स का अस्तित्व नहीं है, मतलब समीकरण दो, वर्ग समीकरण दो के वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है. सो हैंस अतः नो सच फ्रेंड्स एग्जिस्ट, मतलब ऐसे दो दोस्तों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, नो सच फ्रेंड्स एग्जिस्ट. ठीक, तो उसने जो पहले कहा था कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो भैया ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हुआ. आई रिपीट, जो क्वेश्चन है उसको समझिए, उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और फिर उसमें डी का फॉर्मूला लगाइए और फिर देखिए कि आगे उसको सॉल्व करना है कि नहीं करना है. और जिस सिचुएशन से, जिस परिस्थिति से वो क्वेश्चन बना है, वो परिस्थिति का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, वो इस डी के ऊपर निर्भर करता है. क्लियर? तो ये प्रश्न भी यहां पे समाप्त हुआ और अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न नंबर 5 पर. यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी कि क्या एक ऐसा आयताकार पार्क, बागीचा बनाया जा सकता है जिसकी परिमाप 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर हो. ठीक, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर बनाया जा सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए, है ना. तो दो हिंट हमें कर दिए हैं, एक परिमाप हमें दे दी है और एक क्षेत्रफल दे दिया है. ठीक है, आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. आयताकार है और आयताकार जो बागीचा होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, तो दोनों चीजें हमें मान लेना है. फिफ्थ, हम इस तरह से मानते हैं, माना आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y. ठीक है ना, तो परिमाप, परिमाप बराबर आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 80 मीटर दे रखी है, है ना, 80 दे रखी है. यस, परिमाप दे रखी है 80, यानी पेरीमीटर दे रखी है 80. और आयताकार बागीचे की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x + y = 80. तो यहां से इस 2 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 40 आ जाएगा, मतलब y बराबर आ जाएगा 40 - x. अब आप समझ गए होंगे कि ये हमने क्यूब निकाल दिया y की वैल्यू x के टर्म्स में, क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल होना है. ठीक है ना, अब आगे और बढ़ते हैं. पुनः अगेन एरिया, ऑफ पार्क, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. तो यहां पर लिखिए 400. अब एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक, अब x की जगह x रहने दीजिए, y की जगह पर लिखिए 40 - x इज इक्वल्स टू 400. अब इस 400 को इधर लाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो आपको मिलेगा 40x - x² - 400 इज इक्वल्स टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 40x और माइनस का 400 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया. अब इस एक्स स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए पूरे में माइनस का गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का 400 बराबर में 0. तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस कंडीशन से बनी हुई थी जिसमें कि पेरीमीटर, परिमाप और क्षेत्रफल हमें दिए हुए थे. अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं इसके लिए, देखते हैं यहां a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 40 है और c बराबर है 400. ये तीन वैल्यूज हैं हमारे पास. तो जो d है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 40 का होल स्क्वायर इंटू 4 × 1 × 400. 40 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1600 और ये भी हो जाएगा 1600, मतलब कि ये जीरो आ जाएगा, मतलब d बराबर जीरो आ जाएगा.
डी का मान जीरो आने का मतलब यह है कि इस समीकरण दो, इस वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इसको लिखते हैं, इसका मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमें फाइंड तो करना ही था x की वैल्यू, आइए फाइंड करते हैं। हम यहां पे लिख देंगे सो रूट्स ऑफ टू आर रियल एंड इक्वल, अर्थात समीकरण दो के जो मूल है वो वास्तविक और बराबर होंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए, यही कंडीशन बनती है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस 40 और 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। अब बच्चों ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 20। मतलब कि x की जो रिपीटेड वैल्यू आएगी वो आएगी 20। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब x का आने का मतलब है कि भाई आपके पास में आ गई है ये लंबाई, तो जो चौड़ाई है वो y बराबर 40 माइनस 20 आ जाएगी, क्योंकि 40 माइनस x था ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 यानी y बराबर भी आ गया 20। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जो इन शर्तों का पालन करे, इस शर्त का और इस शर्त का, तो ऐसा जो रेक्टेंगुलर पार्क होगा वास्तव में उसकी लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी 20 होगी। मतलब कि वो आयत नहीं होगा, वो एक वर्ग बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? तो अब आप यहां पे लिखेंगे कि यस सच पार्क इज पॉसिबल इन विच एंड पॉसिबल एंड इट्स लेंथ इज इक्वल्स टू 20 meters एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 meters। मतलब कि ऐसा पार्क होगा लेकिन उसकी लंबाई भी 20 होगी और उसकी चौड़ाई भी 20 होगी। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से उसको रेक्टेंगुलर ना कहकर आप स्क्वायर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से बच्चों इन इन कंडीशनों को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को कंप्लीट करा। इस तरह के क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है आप उसको पढ़ी समझिएगा। अगर कभी आपको दो चीज़ें दिख रही हों तो आप उनको एक्स और वाई अलग अलग मान सकते हैं, फिर उनमें जो रिलेशनशिप दी हुई होती है उस रिलेशनशिप की मदद से किसी एक को दूसरे के रूप में आप लिख दीजिए और जो दूसरी कंडीशन होती है उसका प्रयोग करके आप पूरी की पूरी जो कंडीशन है उसको किसी एक वेरिएबल एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके बाद में आप फिर कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हर बार जो इफ पूछा था, इफ पॉसिबल क्या संभव है, तो इसका मतलब आपको पहले वो डी निकालने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भाई पूरी मेहनत क्यों करते हो, पहले चेक कर लो अगर डी की वैल्यू जीरो या पॉजिटिव या नेगेटिव आती है उसके अनुसार लिख देना आंसर कि पॉसिबल है भी कि नहीं है। अगर है पॉसिबल तो निकाल लेना और नहीं हो तो मत निकालना, दैट्स ऑल। तो इस तरह से बच्चों आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा। यहां पर इस एक्सरसाइज में जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि कई बार जो स्थितियां प्रैक्टिकली हमारे सामने हमको दी जाती हैं वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होती है। मतलब कि इस तरह की चीजों को प्रैक्टिकली आप सामने नहीं बना सकते हो, नहीं उतार सकते हो। तो कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो मैथमेटिक्स आपको मदद कर देगा कि भाई जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो वैलिड है भी कि नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज को भी यहाँ पे हम खत्म करते हैं और आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे जो कि समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, और इस 5th चैप्टर के बाद में फिर शुरू हो जाता है ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ होता है ऐसा आपने सुना होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है वास्तव में। इट्स वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, सब आसान है बच्चों। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, खेलते कूदते भी रहिए, फालतू चीज़ों से बच के रहिए, यही आज के समय का क्या है, गुरु मंत्र है। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ में होंगे नए चैप्टर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।